आज सबसे बड़ा प्रश्न, क्या पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय होगा? इस प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री और भारतीय सेना विदेश राज्य मंत्री रहे और भारतीय सेना के अध्यक्ष रह चुके जनरल वी के सिंह ने दिया है। जनरल वी के सिंह ने कहा है कि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर अपने आप भारत में मिल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बगावत इस समय चरम पर है। वहां के लोग, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान के हो, चाहे मुजफ्फराबाद के हो, और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान अलग, मुजफ्फराबाद अलग, कोटली अलग, अलग अलग इलाकों में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ मिल जाने दिया जाए। वहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार यही लगातार दावत करती रही है, और ये तो संसद का एक कहा भी गया है कि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और एक ना एक दिन, ये जनरल वी के सिंह ने कहा, एक ना एक दिन, बस प्रतीक्षा कीजिए, ये भारत में मिल जाएगा। पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से भी हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना। इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हाथों से निकलता दिख रहा है, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ अब शिया भारत के करगिल के साथ मिलने की हुंकार भर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ शिया समुदाय की इस खुले बगावत के बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। ये उम्मीद जगा दी है कि 1947 में दो टुकड़े हुआ कश्मीर फिर से एक होकर भारत में मिल जाएगा। पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से भी हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। ये मोदी सरकार के किसी मंत्री का ऐसा पहला बयान नहीं है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 26 जून को जम्मू में हूबहू ऐसा ही बयान दिया था। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। पीओके में हालात बेकाबू हैं। शिया नेता के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद से शिया समुदाय भारत के साथ मिलने की मांग कर रहा है। कुछ महीने पहले पीओके के मुजफ्फराबाद में रहने वाले मलिक वसीम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। मुजफ्फराबाद का वसीम वही कह रहा है जो भारत सरकार मानती है। सितंबर 2019 यानी अब से ठीक 4 साल पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर भारत का रुख साफ कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि पीओके का करीब 13,296 वर्ग किलोमीटर इलाका भारत में शामिल होगा। On POK, yes, our position on POK is, has always been and will always be very clear. POK is part of India and we expect one day that it will, we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. इस बयान के कुछ दिन पहले ही भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का नाम बदलकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कर दिया था। भारत की दलील है कि पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा जम्मू का कुछ हिस्सा भी शामिल है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का रुख बेहद आक्रामक अंदाज में साफ कर दिया था कि ये सारे हिस्से भारत के अंग हैं। जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप मैं स्पष्ट करता हूँ माननीय मंत्री जी, प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।
धारा 370 हटाए जाने के कुछ ही महीने बाद जब भारतीय मौसम विभाग ने पीओके के इलाकों के मौसम का हाल बताना शुरू किया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मौसम विभाग ने 8 मई 2020 से पीओके के इलाकों का पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया था। इसमें गिलगित और मुजफ्फराबाद का तापमान बताया जाने लगा। इस वक्त भी जनरल वीके सिंह ने बिल्कुल यही बयान दिया था जो अब उन्होंने दिया है। यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले क्यों नहीं बताते थे, ये तो जरिए उनके पास पहले भी थे, तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई खास ऐसा नया नहीं लगता। हाँ, एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है जो हमारे पास आएगा अपने आप। वीके सिंह के ताजा बयान के विपक्ष ने आलोचना की है। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर। स्वागत है, हमने हमेशा ये देखा है, एक सपना देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अरुणाचल का हिस्सा तैनात के मैप पर दिखाया गया है, ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए, फिर बाद में अपने आप पीओ के हिंदुस्तान में आ जाएगा, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब। वीके सिंह का बयान राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान दौसा में आया। वहीं विपक्ष पीओके के बयानों को 2024 के चुनावों से जोड़कर देख रहा है। कुल मिलाकर एक रणनीतिक मामले पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन पीओके में बढ़ती बेचैनी को पाकिस्तान में ही बांग्लादेश के अलग होने से जोड़कर देखा जाने लगा है।